कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पहाड़ी ब्लॉगिंग गीता संजय ब्लॉग्स में। तो चलिए करते हैं एक नए दिन की शुरुआत एक नए ब्लॉग के साथ। आज का ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो बोलो। कैसे हो? खाना खाया? खाना खाई। शैतानी कौन कर रहा है? ओके बाय बोलो। और करना है बोलो फिर। हाँ बाय बोलो फिर। मम्मा और करना। अच्छा करो फिर। हेलो गाइस। और बोलो। हाय गाइस। वैसे पापा अच्छे से आंखों बंद करके सुना दे। आंखों बंद कर पापा वाला गाना सुना दे। बंदर चल जल्दी सुना पापा वाला गाना। आंखों बंद करके सुना दे। आंखों बंद करके क्यों क्यों सुना दे। पैसा सुना दे। आंख बंद करके सुना दे पापा वाला। सुना दे तो आंख बंद करके पापा वाला। पापा वाला अब सुना दे गाना गा। नहीं बोले सुना दे पापा वाला। सुना दे मेरे को आंखों बंद करके ऐसे करके अब सुना। चश्मा पहन के सुनाएगा पापा वाला। चश्मा पहन के सुनाना ठीक है। मम्मा मम्मा की तरफ शांसु दे 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 तो खा दिया मेरे को नहीं दिया। तूने सब खा दिया मेरे को नहीं दिया दे दे। कहाँ से आता होगा इतना। तो दोस्तों आज सुबह के नाश्ते में बन रही है मैक्रोनी। आज बच्चों की छुट्टी है, संडे भी है आज और अष्टमी नवमी दशहरा विजयदशमी तक छुट्टी है। तो मैंने सोचा थोड़ा सा बच्चों के मन पसंद का कुछ बना लिया जाए। तो मैंने बड़े बड़े पीसेस में यहाँ पे प्याज और टमाटर काट लिया है। अब इसको थोड़ा सा भूनने देते हैं। प्याज हल्का सा गोल्डन हो गया था तो फिर मैंने ऊपर से अब इसमें टमाटर डाल लिए हैं। थोड़ा सा प्याज ये टमाटर को पकने के लिए छोड़। तो दोस्तों आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा बना हुआ है, बनके रेडी हो गया है। बस अब इसको मैं प्लेटों में सर्व करके बच्चों को लगाती हूँ। आइए फ्रेंड्स आप भी खाइए, एंजॉय कीजिए संडे को चाय और मैक्रोनी। तो चलिए दोस्तों मिलती हूँ मैं आपसे कुछ देर बाद, नाश्ता वगैरह करके फिर आपसे बात करते हैं। बच्चों के लिए मैंने लगा दिया है। तो चलिए दोस्तों बच्चों को नाश्ता देते हैं। और आप देख सकते हो दोस्तों आज बच्चों की डिमांड पे बन रहे हैं लौकी के कोफ्ते। मैं जिसमें अभी मैंने कुछ किया नहीं है वैसे, ये देखिए खाली मैंने इसका बैटर बना के रखा है।
लौकी को अच्छे से कद्दूकस कर लिया है और इसमें मसाले वगैरह सब कुछ डाल के अजवाइन, कस्तूरी मेथी और नमक मिर्च जो भी होते हैं, हल्दी, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, हल्का हल्का सब कुछ मसाले वगैरह इसमें डाले हुए हैं। तो बस अभी बना के रखा है इसको, अभी आधे घंटे रेस्ट करने के लिए छोड़ दूँगी। उसके बाद थोड़ा सा बेसन फूल जाएगा तो कोफ्ते काफ़ी अच्छे बन जाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे कोफ्ते बन के रेडी हो रहे हैं और ये दूसरी बार के अभी मैंने डाल दिए हैं। तो इनको फिर से फ्राई करते हैं और निकालते हैं। काफ़ी अच्छा कलर आ रहा है इनका, ये देखिए आप देख सकते हैं। तो चलिए मैं पहले एक बार पूरे बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाऊँगी। तो ये देखिए दोस्तों, ये बन चुके हैं लौकी के कोफ्ते। ये देखिए काफ़ी अच्छे बने हुए हैं, क्रिस्पी भी हैं और नरम और मुलायम काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। चलिए आगे की प्रिपरेशन करते हैं और यहाँ पे मैं बना रही हूँ थोड़े से और, क्योंकि बच्चों को वैसे खाना भी। तो दोस्तों ये देखिए मैंने टमाटर का और ये प्याज है इसका पेस्ट वगैरह बना दिया है और यहाँ पर मैंने गैस में कढ़ाई रख के तेल चढ़ा दिया है गरम होने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने जो प्याज का पेस्ट बना दिया था वो मैंने अभी डाल दिया है इसमें। अब इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे हम, क्योंकि अगर अच्छे से भूनेंगे नहीं तो उसमें कच्चे प्याज की महक आती है। तो दोस्तों पूरी रेसिपी मैं आपसे शेयर नहीं कर पाई क्योंकि बच्चों के साथ मुझे टाइम ही नहीं मिला। उसके बाद ये खाना वाना हम लोगों ने सबने खा लिया था, उसके बाद की जो सब्जी थी वो थी, मुझे याद आया तो मैंने थोड़ा सा क्लिप निकाल लिया था। नेक्स्ट मैं जो मैं बना रही थी लौकी के कोफ्ते, मुझे लगा मैं पूरी रेसिपी आपसे शेयर करूँगी बट मैं नहीं कर पाई क्योंकि बच्चे काफ़ी तंग कर रहे थे, परेशान भी कर रहे थे। तो मैं दिमाग से उतर गया मेरे कि आगे की मैंने क्लिप बनानी है, तो मुझे बाद में ध्यान आया तो मैंने थोड़ी सी क्लिप निकाली। तो नेक्स्ट टाइम जब बनाऊंगी तो ज़रूर आपसे शेयर करूंगी। मैंने जितनी क्लिप्स बनाई थी मैंने वो डाल दी इसमें, जो मेन पार्ट था वो ही रह गया बस इसमें डालना है। चलो कोई बात नहीं है, और बताइएगा आपको मेरे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं। और प्लीज़ चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने आप को खुश रखिए, अपने अपनों को खुश रखिए, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।